अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हई की लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अब चनार खान का नंबर लग चुका है। समदा ने बहुत ही होशियारी के साथ दुराब खान के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब दुराब खान के ख़ानदान की हई सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है कि अगर चनार खान को भी ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए अब अगला नंबर चनार खान का है। चनार खान के साथ ही दुराब खान का पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो जाएगा और उसमें कोई भी मर्द नहीं बचेगा। इसलिए अब समदा ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहती, वो चनार खान को बहुत ही बुरी मौत देना चाहती है और तभी समदा को भी सुकून मिलेगा और उसका अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा होगा। इसलिए समदा अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहती, वो चनार खान की मौत के साथ अपना बदला पूरा करना चाहती है। इसलिए वो चनार खान के पास जाएगी और कहेगी कि वो अपने बाप और भाइयों की कब्रों पर जाकर फातेहानी करना चाहती है। तो चनार उसे कहेगा कि वो अकेले नहीं जाएगी, वो उसके साथ जाएगा। तो समदा तो पहले ही यही चाहती है, उसे इस बात का अंदाजा है कि वो चनार खान को उसके घर में मौत नहीं दे सकती। इसके लिए उसे चनार को अकेला अपने साथ ले जाना पड़ेगा। जब चनार खान समदा के साथ उसके खानदान की कब्रों पर जाता है तो चनार कहता है कि आज तक उसने अपने दुश्मन की कब्र पर फातेहानी नहीं पढ़ी, लेकिन आज वो अपने दुश्मन की कब्र पर फातेहा पढ़ेगा क्योंकि वो समदा का बाप और भाई है। तो जब चनार खान समदा के साथ उसके बाप और भाइयों की कब्र पर फातेहा पढ़ रहा होता है तो समदा मौके से फायदा उठाकर बंदूक चनार खान पर तान लेती है और कहती है कि चनार खान, ये वही जगह है जहां तुमने मेरे खानदान को मौत दी, आज उसी जगह मैं तुम्हें मौत दूंगी और उससे पहले मैं तुम्हें हर चीज बताऊंगी कि किस तरह मैंने तुम्हारे बेटों, तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे बाप को खत्म किया और ये जो तुम इस खुशफहमी में मुब्तला होना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं शुरू दिन से ही तुमसे नफरत करती हूँ और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने भाइयों और अपने बाप की मौत का बदला लेना। मैं हर दिन तुमसे नफरत करती आई हूँ, मैं बादल से प्यार करती थी और हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे खानदान को खत्म किया और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें खत्म करके मैं दुराब खान के खानदान की हई कर दूंगी जिस तरह तुमने हमारे खानदान की थी और मेरा बदला मुकम्मल होगा।